वेलकम टू स्टडी आई क्यू आई अमित वरीदी किलोर एक कोरोना वायरस कम था बेसिकली इसीलिए ब्लैक फंगस व्हाइट फंगस येलो फंगस पूरा का पूरा विबग्योर एकदम रेनबो आ गया है फंगस का एंड गेस व्हाट आज एक मैं चौथे वाले की बात करना चाहता हूं एसपर जीलोसिस फंगल इन्फेक्शन जो कि अब भारत में फैल रहा है लेट्स डिस्कस व्यू फंगल इन्फेक्शन इज क्योंकि जब बहुत सारे मल्टीपल टाइप ऑफ ऐसे केसेज आ जाते हैं ब्लैक फंगस व्हाइट फंगस येलो फंगस आप उनको उनकी कंपेरिटिव स्टडी कर लीजिएगा कि उसमें अलग अलग क्या है एंड देन दिस एस्पिरोलॉजॉसिस क्योंकि फिर इस प्रकार के क्वेश्चन यूपीएससी की तरफ से बनने स्टार्ट हो जाएंगे बट बिफोर वी अंडरस्टैंड एस्पिरोलॉजोसिस कौन सा फंगल इन्फेक्शन है उससे पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आपने कभी सुपर बग के बारे में सुना है वट इज अपर बग देखिए हमारी बॉडी में कई प्रकार के बैक्टीरियल इंफेक्शन होते हैं राइट जैसे ही आपको कोई बैक्टीरियल इंफेक्शन हो जाता है बॉडी के अंदर अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको देता है एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक एक और बात ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि जो दवाइयां हैं या एंटीबायोटिक्स हैं, इन्हें बनने में बड़ा समय लगता है ठीक है 10 से 20 साल का समय लग जाता है आराम से अगर किसी भी एक नए एंटीबायोटिक को बनाना हो ठीक है चलिए अब इस गेम को समझते हैं कि होता क्या है देखिए नॉन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है बॉडी के अंदर बैक्टीरिया बना बैक्टीरिया बॉडी में मल्टीप्लाई हुआ तो आदमी इंसान बीमार होना स्टार्ट हो गया एंड द बैक्टीरिया डाई जैसे ही हम एंटीबायोटिक ले लेते हैं एंटीबायोटिक यानी बायो बैक्टीरिया का जो एंटी होता है जैसे ही हम वो ले लेते हैं तो बैक्टीरिया से बैक्टीरिया मर जाता है एंड वी गेट हेल्दी अगैन हवेवर जब भी बैक्टीरिया बॉडी के अंदर जाता है और वो एंटी के कॉन्टैक्ट में आता है तो हंड्रेड ऑफ द बैक्टीरिया नहीं मरते हैं कुछ बैक्टीरिया बच जाते हैं एंड देन दे बेसिकली जेनेटिक म्यूटेशन के कारण बदलते हैं और वो अपने थोड़ा सा रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं उसी एंटीबायोटिक के तहत ऐसा डर है हेल्थ एक्सपर्ट्स को कि धीरे 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 क्योंकि एंटीबायोटिक का यूज जो कि ह्यूमंस में और एनिमल्स में बढ़ता जा रहा है हम कहीं ना कहीं ऐसा बैक्टीरिया ना बना ले जो कि जितने भी विश्व में एंटीबायोटिक्स अवेलेबल है उन सब के अगेंस्ट रेजिस्टेंस हो जिसको कहा जाता है एंटी बैक्टीरियल रेजिस्टेंस जब भी आप एक एंटीबायोटिक लेते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया होता है उसमें किसी ना किसी प्रकार का छोड़ा, थोड़ा सा रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है एंड दैट इज नोट दैट अगर ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया हो जिस बैक्टीरिया के ऊपर किसी ड्रग का असर हो ही ना रहा हो वो मल्टीप्लाई होता रहेगा और ड्रग्स उसके ऊपर असर नहीं करेंगे एंड द पर्सन विल रिमेन द सिक अगर हम पूरे प्रोसेस को देखें तो इस प्रकार से होता है जब इनिशियली एक पॉपुलेशन जो कि बैक्टीरिया की होती है बॉडी के अंदर घुसती है और वो बीमार कर देती है एंटीबायोटिक जब हम उसको देते हैं देखिए एंटीबायोटिक दिया गया तो सारे के सारे बैक्टीरिया को खत्म करता है एक्सेप्ट फ्यू ये फ्यू वापस फिर दोबारा से मल्टीप्लाई करते रहते हैं कभी बॉडी सही हो जाती है लेकिन बॉडी के बाहर ये बैक्टीरिया चला जाता है और एंटीबैक्टीरिया रेजिस्टेंस के तौर पर और ज्यादा स्ट्रांग बनकर उबलता है एंड देन धीरे धीरे इसका रेजिस्टेंस ग्रो होता है एंड दीज जो कि रेजिस्टेंस बैक्टीरिया होते हैं दे डोमिनेट द पॉपुलेशन ऑफ द बैक्टीरिया एंड देर इज अ पॉसिबिलिटी जब ऐसी स्टेज बन जाए रेजिस्टेंट बैक्टीरिया शेयर दियर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और फाइनली ऐसा बैक्टीरिया बन सकता है जो कि सारे के सारे जितने भी विश्व के पास या डॉक्टर्स के पास एंटीबायोटिक्स है उन सब से किसी से भी सही नहीं होगा वो एंटीबायोटिक होगा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कर सकता है ऐसे बग बग को कहा जाता है सुपर ये वायरस के के बाद अगर विश्व के सामने जो सबसे बड़ा हेल्थ चैलेंज है संभावना है आने की वो इसी सुपर बग के आने की है यूपीएससी ने 2010 से 2013 के किसी एक साल में इस एंटीबैक्टीरियल रेजिस्टेंस से संबंधित मेंस में सवाल भी किया था प्रॉब्लम ये भी है ये भी याद रखिए मैंने बताया कि जो दवाइयां होती हैं मेडिसंस होती हैं या जो एंटीबायोटिक्स होते हैं इनको बनने में लगता है कम से कम नहीं तो 10 से 20 साल का समय इस समय हमारे पास जो एंटीबायोटिक्स हैं सिर्फ दो या तीन पूरे के पूरे विश्व में दो या तीन ही एंटीबायोटिक्स ऐसे हैं जो कि फाइनली फुल फ्लेजेड हैं कि इस समय बैक्टीरिया को रोक सकते हैं कई बार धीरे धीरे जो नॉर्मल बेस जैसे हम जैसे किसी को आ, कोई बैक्टीरिया से संबंधित बीमारी हुई तो उसको जो भी एंटीबायोटिक दिया जाता है कहीं ना कहीं पर उसका कोई ना कोई रेजिस्टेंस डेवलप हो चुका है तो जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस और जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के एंटीबायोटिक्स हैं लास्ट में अब दो या तीन ही इस प्रकार के बच्चे हुए एंड सेकेंड जो नए वाले हैं वो डेवलप करना उतना ही मुश्किल है आइए समझते हैं कि इसका इससे कनेक्शन क्या है टॉपिक से 11,000 से भी ज्यादा केसेस है ब्लैक फंगस के जो कि रिपोर्ट किए जा सके हैं जिसमें महाराष्ट्र और गुजरात बेसिकली सबसे नंबर वन पर है गुजरात के अंदर एक और केस आया है वडोदरा के अंदर जिसमें आठ केसेस आए हैं एसपिर एस्परजिलोसिस के उस बीमारी का नाम है एस्परजिलोसिस ये भी एक प्रकार की फंगस से फैलती है जस्ट लाइक ब्लैक फंगस एस्परजिलोसिस इंफेक्शन हैज बीन सीन इन द पीपल जो कि रिसेंटली कोविड 19 से रिकवर किए हैं वडोदरा ने दो ब्लैक फंगस के नए केसेस रिपोर्ट किए हैं और एट न्यू केसेज ऑफ द एस्परजिलोसिस हैज बीन अब का मतलब क्या होता है? ये जो उनको ही अफेक्ट कर रहे हैं इस समय सांस की बीमारियां और जो इम्यून सिस्टम का जो वीक होना है ये दोनों की दोनों कोविड नाइनटीन की पहचान है कोविड नाइनटीन के अंदर इम्यून सिस्टम भी वीक होता है और फेफड़ों की यानी सांस की डिजीज होती है पल्मोनरी एस्परजिलोसिस जिलोस इन्फेक्शन उन्हीं लोगों में ऑब्जर्व किया जा रहा है जिनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है दो साइनस पल्मोनरी इज इज बीइंग राइट नाउ इन कोविड 19 पेशेंट्स रेयर क्योंकि आठ ही केसेस आए हैं ब्लैक फंगस के तो ग्यारह हजार तक आ चुके हैं इनके अभी आठ ही आए हैं रेयर है एसपर डेफिनेटली जितना ब्लैक फंगस डेडली होता है फेटल होता है नुकसानदेह होता है उतना तो नहीं है बट अगेन अगर इसको सही टाइम पर नहीं पहचाना गया तो ये भी फेटल हो सकता है कोई भी बीमारी बेसिकली फेटल हो ही जाती है इट इज मोर लाइकली टू इन्फेक्ट पीपल विद अ वीक विदीकून सिस्टम और अ लंग डिजीज बोथ ऑफ द सिम्टम्स आर कॉमन इन कोविड 19 पेशेंट्स अब जितने भी केसेस बढ़ रहे हैं फंगल इंफेक्शन के ब्लैक येलो व्हाइट अलग अलग प्रकार के पूरा रेनबो हो गया है फंगस का एंड देन दिस एस्पिरोजेस आर बींग एट्रीब्यूटेड टू द यूज ऑफ स्टीरोड एंड द कॉम्प्रोमाइज इम्यूनिटी तो एक तो कॉम्प्रोमाइज इम्यूनिटी जिनकी भी इम्यूनिटी खराब है इम्यूनिटी वीक है उनके ऊपर तो असर कर ही रहे हैं फंगस साथ में साथ साथ में जो स्टीरोइड्स का ज्यादा यूज किया जा रहा है क्योंकि कोविड 19 की कोई स्पेसिफिक डायग्नोसिस के लिए उनके लिए कोई बीमारी की कोई दवाई

इन द ब्लैक फंगल केस तभी बेसिकली हेल्थ प्रोफेशनल सब ये भी एडवाइस कर रहे हैं कि बहुत सुपर इमरजेंसी के अंदर ही जो पेशेंट्स हैं कोविड 19 के उनको स्टीरोइड्स दिए जाएं या फिर उनको किसी प्रकार का एंटीवायरल दवाइया या एंटीबायोटिक दवाइया दी जाए कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ एस्पेरोजोलोसिस इज एन इन्फेक्शन कॉज बाई दस्पर्जिलिस ठीक है जिससे होता है ये उस फंगस का नाम है एस्पर्जिलस और उस बीमारी का नाम है एस्पर्जिलोसिस विच इज अ कॉमन मोल्ड इन्फेक्शन दैट लिवस आउटडोर एंड आउटडोर अब ये कॉमन है इतना कॉमन है कि बेसिकली हम कई बार इसको सांस में ले लेते हैं परंतु हमें कोई इफेक्ट नहीं करता है क्योंकि इम्यून सिस्टम ठीक है बीमारी नहीं है मोस्ट पीपल इनहेल एस्पर्जिलस स्पोर्ट्स एवरी डे विदाउट गेटिंग सिख बट जिनका भी वीकेंड इम्यून सिस्टम होता है या लंग डिजीज का कोई खतरा होता है उनको बेसिकली इसी फंगस मोल्ड सेल्थ इशूज डेवलप हो जाते हैं द प्रॉब्लम कोज बाय दी एसबर एस्पर्जिलस इंक्लूड एलर्जिक रिएक्शन इन्फेक्शन इन बॉडी ऑर्गन्स, इंक्लूडिंग के बारे में और यह सब एंटी फंगल रेजिस्टेंस डेवलप होता है एंटी वायरल डिजीज एंटीवायरस रेजिस्टेंस होता है अगर वायरस के ऊपर बहुत ज्यादा दवाई हो now we are reaching a stage where none of the available medicines with the community with the medical community with the health sector would be able to treat any of such disease other ache, bacteria itna strong develop hoga jiska basically kisi ke pas vi yoga that would lead to another major second pandemic और सेकेंड एंटीबायोटिक अब डेवलप होना बहुत जब 1950 में मेडिकल साइंस डेवलप हो रहा था तो उस समय काफी तेजी से क्योंकि नया साइंस काफी तेजी से डेवलप हो रहा था बट एवरीथिंग द अनलिमिटेड अनलिमिटेड बेसिकली आप उस ग्रोथ कर्व को नहीं ले जा सकते राइट right? कार्स अगर आपने देखा हो कार्स नाइनटीन में जैसे डेवलप हुई थी अब उनके अंदर इंक्रीमेंटल इंपॉर्टेंस इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट आती है ऐसा नहीं है कि अब पूरा पूरा कार का प्राइमरी सिस्टम ही डेवलप हो जाए कुछ अलग लेवल ही पूछा जाए इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट आती है साल

अथा चला अथा यूज किया जा रहा है उसकी कोई लिमिट नहीं है एंड दिस न्यू पैंडमिक इज अबाउट टू कम टिल टिल द टाइम जब तक हम वेट करें एक नए बैक्टीरियल पैंडेमिक की आप सारे के सारे अपने एकेडमिक नज़र से आप प्रिलिम्स की नज़र से इन सारी बीमारियों को नाम याद रखे रखेगा रखे और किन के द्वारा कॉज होती है ब्लैक फंगस सारी सारी एस्परजिलसिस एस्पेजिलोसिस एस्परजिलस फंगस से होती है यू नीड द पी डी एफ ऑफ दिस क्लास आई होप सो ये इस टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है यू नीड टू कनेक्ट विद मी देर इज अ वे आउट ऑफ इट कोई भी सोशल मीडिया बर्टन खोलिए और उसमें अमित किलोर टाइप कर दीजिए एंड यू विल बी एबल टू फाइंड मी आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास